रहमान रहीम। इस वक्त हम ये मंडी बाउद्दीन में मौजूद हैं। उस्ताद काशिफ बिलाल अल वाफ नेचर वाले उनकी छत पर मौजूद हैं। मेहमान भी आए हुए हैं, उस्ताद अहमद कम्बल और उस्ताद रहमान गोरी से उस्ताद। काशिफ भाई इतना नाल हो नहीं का मादी ले आवे उस्ताद और अपने शौक करा नहीं नहीं वो ले आ दो तरह उस्ताद सलाम सलाम अली को रहमतुल्लाह बरकातहू। तो काम कर दो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों जैसे आप कल से ही देख रहे होंगे कि हम लोग अपने मेहमानों के साथ महवे सफ़र भी हैं और आपको मुख्तलिफ छतों का शौक भी करा रहे हैं। और हमारे बड़े प्यारे मेहमान जो यूएई से तशरीफ लाए हुए हैं उस्ताद अहमद कम्बर साहब और उस्ताद राजा इफ्तिखार काका पार्टी के रूए रवा भी हैं और उन्हीं की छतों के विज़िट चल रहे हैं। तो इस वक्त हम मंडी बाउद्दीन में मौजूद हैं और जिस छत पे मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनकी कारकर्दगी हमेशा ही ने उनको ना सिर्फ सारे फहरिस रखा है बल्कि बनवाया है। और उनकी जो मुनफरद परवाजें हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। जब भी एक अच्छा टेम्परेचर देखने में मिला है तो उनका जो रिज़ल्ट है वो सबके सामने यहाँ आता है। यानी कि हमारी कोशिश होती है कि हर खिलाड़ी को खुशी होती है कि उसका कबूतर सब कुछ जीत के बैठे विनर बैठे। और इस दफ़ा भी माशाल्लाह उन्होंने टॉप परवाजें थी। 8:30 बजे का टाइम था और 8:19 की परवाज़ एक गैर मामूली परवाज़ होती है। और मेरे ख्याल में पंजाब की टॉप परवाज़ फिर 8 बजे के बाद एक और परवाज़ भी 8:09 की भी है, चाहे 8:09 की भी है। तो ये परवाजें पिछले साल अगर हम चले जाएँ पिछले साल में भी जब टेम्परेचर उठा है तो उसमें 8 इन्होंने बजाए और अपने आप को बनवाया। मेरे साथ मौजूद है उस्ताद काशिफ बिलाल साहब। काशिफ साहब कैसे हैं आप जी? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, खैरियत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह मेहमान आए हुए हैं, रौनक लगी हुई है जी, माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। उस्ताद की तरफ चलेंगे फिर इधर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। उस्ताद उस्ताद कैसे है? बहुत अच्छा। अपनी छतों पर आगे कैसा लग रहा है? देखो शौक किया माशाल्लाह, मैं अभी पाकिस्तान से आया हूँ, शौक किया कबूतर काका का शागिर्दों का पास आज शौक है माशाल्लाह। काका का शागिर्द के छत में कबूतर उनको मजा दिया। हर कबूतर है मगर कबूतर जिस्म से शक्ल से बना हुआ कबूतर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कबूतर। तो हम लोग नहीं बोलेगा कि खाली तेजी या कमागर कबूतर हो रहेगा मगर इंसान शौकीन है अपना कबूतर है बनाने के लिए। कबूतर बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा कबूतर, बहुत अच्छा कबूतर है, बहुत अच्छा। और ये कबूतर है कि तो इधर पाकिस्तान में भी शायद 9वीं बाजी तो शाम किसी का कबूतर इतना नहीं हो रहा जैसा ये हो रहा। 8:19 या 8:18 में ये दो कबूतर माशाल्लाह 8 बजे का बाद बैठा है। ये कबूतर का आग है कबूतर भाई, हर इंसान अपना कबूतर बनाना है और खिदमत करेगा तो कबूतर अच्छा हो रहेगा। नहीं बोलेगा कि मैंने ये कबूतर बनाना है या वो फलाना कबूतर बहुत अच्छा है। अभी कबूतर रस में खरीद में पर भी खराब है कबूतरों का, उड़ा हुए कबूतर गहराबाजी गर्मी में अभी खरीद का मौसम है। पर का तो अभी हर आदमी के लिए दिखाने के लिए तो पर का पसंद नहीं करेगा मगर कबूतर खरीद में है। कबूतर का जो हाथ में आता है तो बोलेगा कि ये मैं कबूतर का बच्चा हूँ। ये कबूतर है मेरे भाई, ये उसने लास्ट में बैठी थी, ये आखिर कबूतर बैठा है, ये इससे पहले बैठी है 8 बजे। ये बात नहीं है, बात नहीं है सर, खाली रायो खाते हैं लाइव। ये कबूतर का इसको भी देखो सही तरह देखो, कबूतर कबूतर का वजूद देखो, नहीं मोटा है नहीं कद लंबा, मीडियम कबूतर है, हर चीज से कम नहीं है मेरा भाई। ये कबूतर का पर भी देखो,
मोर भी लगा है। मोर तो लगा हुआ है कबूतरों का, देखो ये गहरा मोर लगाया। गहरा दिन गर्मी में हो रहा है, सख्त गर्मी में। किन्हें बोलेगा ठंडी मौसम का कबूतर है कि ठंडी मौसम हो रहेगा। अगर ठंडी होएगा तो सबके लिए होता है, तो गर्मी होएगा तो सबके लिए। पूरा पंजाब का बहुत अच्छा हो रहा कबूतर, बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये माशाल्लाह साजी भाइयों की मेहनत है उस्ताद, मेहनत कबूतर अपना बनाया, अपना शौक अच्छा किया माशाल्लाह। हाँ जी, ये उस्ताद काशिफ बिलाल है भाई, तो भाई है कबूतर बनाया, अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना। शक्ल से, जिस्म से, पर से, जोर हर चीज से अच्छा है माशाल्लाह। उस्ताद जी ये तीन लोगों ने बहुत मेहनत की है, सारे उस्ताद जी। मेहनत करेगा तो फल मिलेगा ना, मेहनत नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। मेहनत उस्ताद नीचे बैठेगा, कबूतरों का ख्याल करेगा, संभाल करेगा, कबूतर अपना देगा। कबूतर अगर संभाल लेगा, एक दिन हो रहा दूसरा दिन नहीं हो रहेगा। गहरा दिन बाजी गर्मी में ओढ़ने के लिए कबूतर डेली शाम शाम बैठने के लिए, क्योंकि समाल लाजमी है, मेहनत करना बनता है। कबूतर ओरेगा 6 बजे 7 बजे बैठ गया, कबूतर का ताकत होना मानता है, दोबारा उसको ताकत वापस करना है। ये कबूतर वही तो आज भी हो रहा, कल भी हो रहा, परसों भी हो रहा, तो ये कबूतर बोलता है नहीं। मेहनत भी ये बात है कि नहीं बोलेगा खाली कबूतर अच्छा है, उस्ताद भी अच्छा होना मानता है, जो नीचे बैठा वो भी पहचान मानता है कबूतरों के लिए करने के लिए, कि मैं कबूतर कैसे उसको ताकत वापस करने के लिए। बहुत बहुत अच्छा कबूतर बना है माशाल्लाह, छत भी बहुत अच्छा जागा है, बहुत हर चीज माशाल्लाह कबूतर बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना हुआ है। इंशाल्लाह अगले साल और भी अच्छा होएगा, और भी अच्छा होएगा इंशाल्लाह। मजा आया, शुक्र छतों में गया, छत में गया, डॉक्टर का छत में गया माशाल्लाह, नुशी का छत, इस्तानुशी का छत में गया माशाल्लाह, वो भी माशाल्लाह कबूतर बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा तैयारी अच्छा। देखो ये लोग अपने लिए तैयारी करता है, अपना ये अपने लिए करता है, हर इंसान एक चीज रखता है मालूम है, यानी यानी तैयारी का माशाल्लाह कुछ कमी नहीं है, बाकी नसीब है और मेहनत और नसीब। मेहनत लाजमी है, मेहनत करेगा तो पल मिलेगा तुम्हारे लिए। कबूतरबाजी भी यकी है, अगर तुम्हारे कबूतर फिर तुम्हें भी शाम भी उड़ता है, शाम मैंने बात तो रहा मामूली, अगर बाजी में तुम गलत किया कबूतर नीचे आए। नाम बनाना है परतों के लिए नहीं है, नाम बनाना है बाजी में कप में, इधर तुम्हारा नाम निकलेगा तो तुम कबूतर अच्छा हो रहा है या बाजी में, तो तुम नाम बना। अगर परतों में तुम्हारा कबूतर 10 बजे भी बैठे, बाजी में तुम्हारा कबूतर शाम बैठा, तो इधर तुम्हारा नाम हो गया। बाजी में यही कबूतर बाजी है कि दुनिया तुम्हारा रुको देखता है कि मैं बाजी लगाया जीत गया। भाई बाजी में बाहर नहीं बोलूंगा कि मैं जीतूंगा, दुनिया देखेगा कबूतर, मेरा कबूतर शाम आ रहा है, अवर टेम किया, हार गया तुमने ना, ये बात है। छत को अभी मैदान को पड़े, तुम बोलेगा बैठेगा बैठेगा, कबूतर मैदान में है, नीचे मैदान में, वो नहीं बैठेगा। जो कबूतर जीरो में वो आएगा बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, नसीब हो गया, ये नसीब है ना। ये आदमी इसमें दुख नहीं होता है, मगर दुनिया देखते है कि तुम्हारा कबूतर अच्छा होगा। माशाल्लाह कबूतर बहुत अच्छा बनाया भाई, लोग सब अच्छा बनाया इंशाल्लाह, उम्मीद अल्लाह की तरफ से और भी अच्छा और आए, अच्छा जीते इंशाल्लाह, बहुत अच्छा कबूतर। काशिफ भाई थोड़ा सा मैं इस दफा के अपने रिजल्ट के हवाले से तो बताएं, जो जेट का कितने 1-to-1 मुकाबले थे भाई यार, तकरीबन इस पर 17 घरों से थे। अच्छा। मुकाबले रह गए थे ना, बाकी मुकाबले तो ज्यादा लोगों से। अच्छा। लेकिन खत्म हो गए थे किसी न किसी वजह से ना, कैंसिल हो गए थे। अच्छा। किसी से बराबर हो गई थी, किसी की मजबूरी हो गई थी। अच्छा। 4 घरों से मैं हारा हूँ, 2 फॉर्मेट। अच्छा। और 1 7 दिन की बाजी थी मेरी खाली, वो बारिश की वजह से वो हार, बाकी घरों से मैं जीता हूँ सबसे। नहीं बहुत अच्छा रहा, शौक अच्छा रहा, रोज कबूतर अच्छे उड़े माशाल्लाह जी, ठीक रहा रिजल्ट। क्या डिफरेंट फीलिंग्स क्या थी आपकी? हर
शख्स अपना अपना तरीका कार होता है, डेफिनेटली तरीका कार चेंज था। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था, मतलब बेहतर। आप कितना कितना सेटिस्फाइड हो? नहीं नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाइड है जी, ऐसी कोई बात नहीं। माशाल्लाह रिजल्ट भी आपके सामने है और कबूतर भी अच्छे उड़े हैं, शौक भी नफीस तरीन शौक हुआ है, कोई किसी से मसला नहीं हुआ। मौसमी हार्ड लग तो सबके साथ रही। वो तो देखे, मैं कहता हूँ कि मौसम को तो हमें वो देना ही नहीं चाहिए ब्लेम, मौसम तो सबके साथ ही है, कभी यहाँ है कभी कहाँ है कभी कहाँ है। असल चीज देखनी चाहिए, जो रोज आप कबूतर उड़ा रहे हैं, उड़ रहे हैं, शाम को बैठ रहे हैं, तकरीबन मेरे डेली कबूतर शाम तक जा ही रहे थे और अच्छे जा रहे थे और रिजल्ट भी ठीक, एवरेज भी ठीक बना रहे थे। अगर एक दो दिन मौसम खराब हुआ चले वो मुकद्दर है, किस्मत है, वरना कबूतरों में और तैयारी में कोई अल्हम्दुलिल्लाह फर्क नहीं था ऐसा ना। नहीं माशाल्लाह, तो अब अस्सू की तैयारी है, भरपूर तैयारी है, अस्सू की भी है इंशाल्लाह, नेक्स्ट जेट की भी है माशाल्लाह। एक वीडियो देख रहा था उसमें तो सैकड़ों के हिसाब से बच्चों की आमद आमद का हाँ, इंशाल्लाह सिलसिला था, उन्हीं को देखकर तो मैं कह रहा हूँ कि जेट की भी तैयारी। नहीं माशाल्लाह, ये है कि आपके पास ये आपको बड़ा है कि जी बड़ा दर्द की जरूरत है बच्चों कबूतरों के बच्चों में, उनको खुद कफील है। चले जी, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा हुआ, काफी अच्छे के बाद मुलाकात हुई एक अच्छी, और आपको विजू गुड लक सुख के लिए भी और अच्छी कारकर्दगी पे भी। 8/18/19 पे बिठा के आपने बड़ा 8/18 पे और इसी तरह 8/9 पे जोड़ी बैठी थी, बड़ी टॉप पर बाज रही और बड़ा जबरदस्त रहा। तो इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और ये मजीद बेहतर इंशाल्लाह बेहतर होगा। इधर सबको दिखाएं, छत का मंजर दिखाएं, काका की तरफ काफी जगह पे गए, तैयारी भी अच्छी नजर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चैंपियन मंडी वाल दी सरगोधा इंशाल्लाह। वो तो कह रहे थे भाई जी, माशाल्लाह आप खूब बोल रहे हैं, रंग रहे हैं। हाँ जी, ठीक हो गया अपनी पार्टी के बारे में, देखो इजाजत कबूतर अभी देखो माशाल्लाह मजा आया, कसम ये अभी 4वीं छत है, दोपहर का था, दोपहर का कबूतर भी शौक करेगा उधर शौक, मजा आया कबूतर बाजी में, आया पाकिस्तान घुमा अच्छा लगा। कैसे लगे आपको यहाँ आके, आपके तात्पर्य भी लेना बहुत जरूरी है हमारे। शाही देखे, अच्छे परिंदे होंगे, अच्छा दाना पानी होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, सारी चीजें कंबाइन है माशाल्लाह, कबूतर भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, संभाल भी अच्छा है, तज भी अच्छा, और कबूतर क्या है, यही कुछ है ना, और क्या कबूतर। अगर ये कबूतर भी नहीं उड़ेगा तो समझो खुद का गलती है ना, सही बात है, गलत है, कबूतर खुद दरवाजा खोलेगा, खुद ही काम बेचेगा, खुद ही आएगा अंदर जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है, नहीं होएगा ना, खत्म कबूतर, खत्म खत्म लाजमी है जी। आप क्या कहेंगे साहब, देखें पार्टी मेरी नहीं है, ये सब भाइयों की पार्टी है। हाँ ठीक है, तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हैं, काशिफ भाई हैं, वकार है, नौशी है, ये सब अपनी अपनी पार्टी की इज्जत के लिए सब इंशाल्लाह करेंगे, और सबको शौक बहुत ज्यादा है, मेहनत करते हैं, हार जीत नसीब है शाह साहब, हारना जीतना, लेकिन ये खेलते हैं। राजा एक चीज मुझे नजर आई है कि माशाल्लाह छतें जो आपकी हैं, हर एक छत सेटअप के लिहाज से और परिंदों के लिहाज से आउटस्टैंडिंग है। अब ये है कि इनकी मेहनत और है रंग लाए और मिर्का में पार्टी को मजीद चार चार लगने चाहिए इंशाल्लाह। शाह साहब लगेंगे शुरू से, देखें आप जानते हैं जब से हमारी पार्टी बनी है, हर साल वायद हमारी पार्टी है जो सबसे ज्यादा बाजियां खेलती हैं, 1-to-1 मुकाबले लगाते हैं, तो इस साल आपको पता है जो मौसमों की वजह से अपसेट हुए हैं बहुत ज्यादा, काशिफ भाई भी अच्छे खासे नंबरों में जा रहे थे, सेंचुरियां थी इनकी, बारिश वाले दिन इनके भी तकरीबन 7-8 घंटे बने हैं, तो इस तरह अपसेट हो गए, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल, लेकिन तैयारी सारे कर रहे हैं, सबकी पार्टी है, सब मेहनत से। लेकिन आप के मेघा में 25 कबूतर जाया हुए, तब भी 1000 से ऊपर, 1050 घंटे पर जी 1000, यानी 2 फिरते माइनस करते, माइनस कर 9 फिरते, यानी 9 फिरतों के, यानी
असल में ज्यादा पैसा है कि इस साल सबके कबूतर मिस हुए हैं, लेकिन जो पांचवी बिरत थी मेरी, नौ कबूतर जो गए ना मिले, एक कबूतर भी वापस नहीं आया। वो बड़े मेन दो ही बैठे थे, वो बड़े मेन कबूतर थे। तो उससे ये बस हो गया कि काजी भाई के थे, इनके साथ दस बैठ गए थे, दस के दस कबूतर तो बच गए। चले कोई नहीं, घंटे थोड़े बने लेकिन कबूतर बच गए। मेरे तो नौ मेन चले गए सारे। वकार तेरे किने गए सर? छह कबूतर वकार के चले गए। बस ये गेम है। हारजीत कोई मैंने नहीं रखती। इंशाल्लाह अस शौक करते हैं, करते रहेंगे और आइंदा भी इंशाल्लाह शौक करांगे। मिसाल बना के अगे पेश करते ने। इस छत की जेडी कारकर्दगी है उन्हें लोगों नु थोड़ा दीवाना बनाया है। आए दिन थोड़ी पार्टी च इजाफा नजर आ रहा है, लोग थोड़ी शगीन हो रहे होंगे ने। देखो शागिर्द हो रहे काफी, लेकिन एक हर इलाके विच तुसी पंजाब तो चलने शुरू हो, हर इलाके साडी पार्टी दी छतां नूं सब कप खेडण वालियां और वन टू वन मुकाबले खेडण वालियां सर इतों बढ़ के परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो मैं जो कोई नहीं पार गेम है हारने जीतने बहुत ज्यादा मेरे मुताबिक ये है कि इस वक्त हमारे साडे शौक दा जदीद दौर कहना चाहिदा है। यानी इस वक्त जेड़ा फरोख चल रहा है पिछे 8-10 साला च जेड़ा इस वक्त शौक दा या नक्शा बदले है उदे च उस्ताद राजा सरकार काका और उदी पार्टी दा बड़ा एक अहम रोल है, एक अहम किरदार है। और इनू अरूज तक पहुंचाने लई और इस वक्त जितने बड़े कंपीटिशन दी बुनियाद तुसी लोगों ने रखी है वो उदी मिसाल हुण काफी घट मिलती है। हुण तो काफी चलो लोग आ गए, पर जिस तरह तुसी ट्रेंड सेट कीते ने मुकाबले लाण दे, पिपला दे नाल मुकाबले लाए, इलाके च लाए, फिर जिस तरह दे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कीते थोड़े शागिर्दां ने भी मंडी नू स्ट्रीम लाइन च लैण च थोड़े शागिर्दां दा बड़ा किरदार है। और मैं कहूं ना शागिर्द वल जा रहे हैं, फिर कुछ होते भी करांगे। पूरी मंडी बावलदीन दा बहुत है। मंडी बावलदीन एक ऐसा शहर है शाह साहब, जनून दा शौक है इन्हां बंदे और आवण वाला वक्त तुसीं देखोगे इंशाल्लाह मंडी बावलदीन विच ही सारे कप आणगे। नहीं सर बिल्कुल तुसीं जिहड़ा बहुत मेहनत कर रहे ने इधर दे बंदे, जिहड़ा तराशिया है इन्हां दा जिहड़ा शौक दबिया होया सीगा हुण इस वक्त शौक जिन्ना इन्हां दा प्रमोट होया है, जिस लैवल ते आ गए है, जिस लैवल ते इन्हां दी पहचान बन गई है, उहदे च थोड़े जिहड़े शागिर्द ने उन्हां दा एक बड़ा इन्हां नूं जगजा कर बड़ा किरदार अदा कीता। मेन पता की हुंदा है, शौक नूं शौक करके देखो। मैनूं हले भी याद है काशिफ बिलाल ते जफर मब्बा इन्हां दा आपस च मुनसिफ सी बैठे आ, बच्चे उड़ के चले गए। ठीक है मुनसिफ काशिफ दा भी सी बैठे आ जफर दे, महावत ने जफर की आके दसिया भी एक बच्चे की कड़ी लानी याद नहीं रही। शौक नु देखो शौक कर गए ईमानदारी नाल करन दा, कड़ी लानी याद नहीं रही। उड़दे बच्चे दी जफर ने अपना बच्चा कटाया, काशिफ नु जुर्माना कर दिता भी तेरे मुनसिफ दी भी गलती है। अगर वह कड़ी लाना चाहता या मुनसिफ की नहीं पता चलिया, बैठद बच्चे की कड़ी भी ला देता की नहीं। लेकिन शौक नु देखो यह आंदा शौक, उसने अपनी जात का बच्चा कटिया, उसका टाइम कट दिता, मिसाल बनाई और काशिफ बिलाल दा मुनसिफ जी उन्हें इन्हां नूं जुर्माना कीता। सर फिसाल भी ते टीम वर्क भी। हां जी इन्हां दी खाते ए कल्ले नहीं ने, इन्हां दी टीम है। एक बंदा कुछ भी नहीं, एक अकेला 2-11। अगर ए टीम नहीं होएगी ना ए भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। काशिफ साहब दे नाल ने मानी साहब ने बिलाल साहब ने, ए लोग मिल के काम कर रहे ने, मिल के मेहनत कर रहे ने, स्ट्रगल कर रहे ने। मानी गुजर साहब ने माशाल्लाह और ए जी बिलाल साहब ने और ए लोग ना मिल के एक टीम वर्क है मंडी दी। और अज अगर काशिफ भाई दी परफॉर्मेंस आ रही है उहदे च इन्हां दी मेहनत दा बड़ा अमल दखल है। और अगर असीं कहिए ना कि इन्हां नूं पिछे कर देईए और कहिए कि जी काशिफ ना, कल्ला बंदा कुछ नहीं है, इसे तरह थोड़ी टीम है। थोड़े नाल जेलम चले जाओ वकार गुजर साहब ने,
डॉक्टर साहब ने सर ये इन्हें साइड लो करते अकेला बंदा कुछ नहीं है जब तक मोडा नहीं रहा हुमायूं साहब ने हुमायूं कैनी साहब ने और कहने का मकसद है हम अपना फकार की परफॉर्मेंस जेलम च सारे सामने फकार ने अगर टाइगर ऑफ जेलम एवं तो नहीं लोग क्या क्यों परफॉर्मेंस नाल अपने बनाए और माशाल्लाह अपना रिकॉर्ड आप रख देने मेरे कहने का मकसद है हमेशा टीम ही वर्क कर दी साडे भाई उस्ताद अहमद कमर साहब उस्ताद जमाल फाजल साडे पार्टी सरदार वड्डे असीं इंशाल्लाह हर किस्म दा अपनी पार्टी नाल जानी माली हर किस्म दा तावन है और माशाल्लाह तुहानूं पता है आमदे नाल साल सारियां जत्तां दे विजिट करी दे जिहड़ी किसे किस्म दी कोई साडी पार्टी नूं किसे चीज़ दी जरूरत है इंशाल्लाह असीं प्रोवाइड करन वाले हां और वाहिद शाह साहब भी कि असीं मोहताज नहीं किसे नूं रहण दित्ता कदी समझ जो हर बंदे नूं हुंदा ना वी दवाई साडे कोल ही आवो तोड़ू साडे तो लै के जाओ नहीं है जितने शौकीन सब नूं आखी दे भाई है जे आपे खुद करो आपे बनाओ सर बाकी देखो उस्ताद ने उस्ताद एक मिनट अपन जो आ रहा तो आपकी पार्टी बनी यहाँ अल्लाह ने आपको इज्जत दिया मकाम दिया आपने देखा सब छतों पे आप हर साल आते हो अपनी पार्टी की खातिर आते हो अपने भाइयों की इन सबको देखने के लाजम शौक देखने के लिए अच्छा मशवरा देने के लिए लाजम की बात है इनका शौक बढ़ाने के लिए हम बोलता है कि जितना ये लोग इंशाल्लाह और भी अच्छा होएगा और भी अच्छा करना है ये लोग जीता तो हम जीता ये लोग का खुशी हमारा खुशी अगर ये लोग हार गया तो हम हार गया ना जब ये लोग जीतेगा तो हम खुश है कैसा खुश नहीं होएगा लाजम हम खुश होना बनता है कि ये लोग का ये लोग जितना उड़ेगा कम उधर बाजी हमारा खुश है उधर हम उड़ाता है तुम जो बेटा है अपना घर में बैठा हूँ दुबई में हमारा भाई पार्टी और आया जीत गया सब दुनिया देखेगा वो लोग और लोग हार गया ये सबके लिए देखो ये उस्ताद का एक खूबी है क्योंकि राजा का क्योंकि उस्ताद ने अपने शागिर्दों के लिए आगे लेके जा रहा है ये उस्ताद का खूबी है क्या नहीं अपना शागिर्दों का पास छतों के ऊपर भी आता है घूमता है मशवरा भी अच्छा दे रहा है अपना शागिर्दों के लिए कि ये इसी वजह से ये उस्ताद काबिल है यानी नहीं बस खाली मैंने शागिर्दी दिया छोड़ दिया लोगों के लिए बस फिर भी उस्ताद चक्कर मारते हर अपना शागिर्दों के छतों को बचाता है यानी काका अब नहीं जाएगा तो फिर कैसे पार्टी चलेगा लाजम अपना छत भी कभी नहीं जाता मगर अपना शागिर्दों का छतों को पड़ जाता है ये सही है ये लाजम होना चाहिए लाजम हर चीज में यानी अपना शागिर्दों के लिए हेल्प करता है उस्ताद यही है ना उस्ताद अहमद कमर जीता उस्ताद जमाल फाजल जीता तो राजा काका जीता एक है ना एक है नहीं एक नहीं बोलेगा फलाना के ना ये खुशी एक ही है गम भी एक ही हम लोग उस्ताद बहुत अच्छा लगा इकट्ठे हुए सारे अभी हमने एक और जगह जाना है वहाँ पे पूरी पार्टी ने इकट्ठा होना है और दोस्तों ने भी आना है वहाँ पे एक अच्छी सी गुफ्तगू भी करेगा वहाँ पे कुछ और बातें भी कुछ ऐलान भी करेगा इंशाल्लाह तो उस वक्त तक के लिए आप हमें इजाजत दें और वहाँ पर इंशाल्लाह कुछ अच्छी अच्छी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे थैंक यू वेरी मच